आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, एसपी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश को बनाया आतंकवाद का हॉटस्पॉट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में हिंद प्रशांत पर यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय फोरम को किया संबोधित। यूपी चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मतदान की अपील, पहले मतदान पर जलपान का दिया नारा। यूपी की 59 सीटों पर मतदान, 2,12,00,000 वोटर करेंगे 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। मयंकेश्वर सिंह के बयान पर चुनाव आयोग हुआ सख्त, प्रचार करने पर 24 घंटे की लगाई पाबंदी। अखिलेश से मिले रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी, इस मुलाकात के हैं खास सियासी मायने। लखनऊ में वोट डालने के लिए पेट्रोल डीजल खरीद पर छूट। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है अच्छे संबंध, हम जोरदार तरीके से लड़ रहे हैं। पच्चीस फरवरी से उत्तर प्रदेश में पार्टी का चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी। वैश्विक स्तर पर मची हलचल, कवि से राजनयिकों की वापसी जारी। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पीएम मोदी के साथ टीवी डिबेट वाले चैलेंज पर शशि थरूर ने दिया जवाब। रूस के बाहर सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं पुतिन, संसद ने दी मंजूरी। यूक्रेन से दिल्ली लौटी एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट, करीब 242 यात्रियों की हुई है वापसी। औरत मार्च के खिलाफ इमरान सरकार, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय हिजाब दिवस घोषित करने की अपील। नए मिशन की तैयारी में जुटी टीम इंडिया, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू। दबंग दिल्ली से पंगा लेने मैट पर उतरेगी बेंगलुरु बुल्स, जीतने वाली टीम को मिलेगी फाइनल की टिकट। टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड और यूएई की बड़ी जीत, टूर्नामेंट में पक्की की अपनी जगह। स्मृति मंधाना और जैमिमा को इंग्लैंड से बुलावा, हरमनप्रीत को नहीं मिला टीम का साथ। नोवाक जोकोविच ने कोरोना वैक्सीन विवाद के बीच जीता साल 2022 का अपना पहला मैच। जॉन अब्राहम ने किया अपनी अगली फिल्म तेहरान का ऐलान, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है फिल्म, 2023 में होगी रिलीज। अपनी नई वेब सीरीज कैच में पगड़ी पहने नए अवतार में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। कंगना रनौत का मजाक बना चुके मुनव्वर राणा के पुराने ट्वीट्स वायरल, लॉकअप में हिस्सा लेने पर यूजर्स हैरान।
सोनू सूद के खिलाफ FIR दर्ज। पंजाब में मतदान के दिन बहन के लिए प्रचार करने का है आरोप। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टाइटल बदलने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, सुनवाई आज। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।